वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है क्लास फोर की बुक में देखेंगे जो है चैप्टर नंबर टू, जिसमें है संख्याओं की तुलना करना, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बराबर है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स जो है ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है एक ईंट भट्टा दिख रहा है और यहाँ पर ढेर सारी ईंटें दिखाई दे रही हैं, तो हम लोग जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी टाइप का है जिसके बारे में आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्कूल की चहरदीवारी बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता है। स्कूल की जो चहरदीवारी है उसको बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता है। रश्मि ईंट भट्टे पर गई। रश्मि जो है वो ईंट भट्टे पर जाती है। उसने वहाँ मुनीम से ईंटों के बारे में पूछा। मुनीम ने बताया कि ट्रैक्टर की ट्राली में जो है 2000 ईंटें तथा ट्रक में जो है 4000 ईंटें आती हैं। तो वहाँ पर जो है भट्टे पर पहुँचने के बाद पता चला कि जो ट्रैक्टर की ट्राली है उसमें जो है 2000 ईंट आती हैं और ट्रक में जो है 4000 ईंटें आती हैं। आइए अब आगे देखते हैं। आओ देखें किसमें अधिक ईंटें आएंगी, ट्रक में या फिर ट्राली में। अब हमको इसमें बताना है कि किसमें अधिक ईंटें आएंगी, ट्रक में या फिर ट्राली में। हमने यहाँ पर देखा ऊपर एक में 2000 ईंट आ रही है और एक में जो है 4000 ईंट आ रही है, ठीक। तो एक ट्रक में ईंटों की संख्या कितनी आ रही है, 4000, और एक ट्राली में ईंटों की संख्या कितनी आ रही है, 2000। दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या जो है समान है। जो दोनों संख्याएं हैं उसमें जो अंक हैं दोनों में चार चार अंक हैं, 1, 2, 3, 4, इक्याई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इसलिए जो बड़ी संख्या होगी वही जो है जिस अंक का जो हजार का अंक होगा जो इसमें जो बड़ा होगा वही संख्या जो है हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो दोनों में जो है हजार हजार की संख्याएं हैं, यह 2000 है और ये 4000 है। तो 2000 जो है दो छोटा होता है, चार बड़ा होता है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है 4000 ज्यादा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है 4000 के स्थान पर अंक 4 है। 4000 में जो है हजार के स्थान पर अंक जो है वो हमारे कितने हैं, वो 4 हैं, और 2000 में हजार के स्थान पर जो अंक हैं हमारे वो कितने हैं, 2 हैं। तो चलिए देखते हैं कौन बड़ा है, इसमें 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है। तो इसमें हमको क्लियर पता है कि 4 बड़ा है, इसलिए 4000 जो है 2000 से बड़ा है, या 2000 जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, 4000 से। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला हमारा कि ट्रक में जो है ट्राली से अधिक ईंटें आएंगी, ट्रक में जो है ज़्यादा ईंट आएगी। अब स्वयं करना है हम लोगों को, सही चिन्ह लगाना है। एक तरफ है छोटे का निशान और एक तरफ है बड़े का निशान, तो इसको हमको देखकर यहाँ पर लगाना है। पहली संख्या है 6536 और दूसरी संख्या है 5348। तो दोनों की जो है अंक जो हैं वो बराबर हैं, 4 अंक की यह भी संख्या है, 4 अंक की यह भी संख्या है। तो हम इसके बाद पहले हजार से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 1006 है और यहाँ पर 1005 है, तो हमको पता है 6 बड़ा होता है, 5 छोटा होता है, तो हम यहाँ पर जो है बड़े की तरफ मुंह खोल देंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। अब यह भी 7894 है और ये 8794 है, तो ये भी 4 अंक का है, यह भी 4 अंक का है। तो इसका हम हजार का अंक देखेंगे, यह 7000 है, यह 8000 है,
8 बड़ा है, तो इसलिए हम 8 की तरफ मुंह खोल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखो और समझो, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है देखो और समझो। चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। चलिए, मैं जो है 86,530 हूँ, मुझ में 5 अंक हैं, मैं तुमसे बड़ी हूँ। ये संख्या कह रही है 86,530। हाँ हाँ, मुझ में तो 4 ही अंक हैं, मैं 7,921 हूँ, मैं तुमसे छोटी हूँ। अब मान लीजिए इसमें बताया जा रहा है कहीं पर 5 अंक की संख्या है और कहीं पर 4 अंक की संख्या है, तो जिस संख्या में अंक ज़्यादा होंगे तो वह संख्या क्या होगी, वह अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। सही चिन्ह का प्रयोग करना है, एक तरफ है छोटे का निशान और एक तरफ है यहाँ पर बड़े का निशान। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 92,568 है और यहाँ पर जो है 117,804 है, तो यहाँ पर जो है कितने अंक हैं, यहाँ पर 5 अंक हैं और यहाँ पर कितने अंक हैं, यहाँ पर 6 अंक हैं, तो यहाँ पर जो है कौन सी संख्या बड़ी होगी, 6 अंक वाली, तो यहाँ पर हम 6 अंक वाली की तरफ मुँह खोल देंगे। ठीक उसी प्रकार यह भी है 325,896 और इधर संख्या है 23,149 है, तो यहाँ पर जो है 6 अंक है और यहाँ पर 5 अंक हैं, तो 6 अंक वाली संख्या जो है बड़ी होगी, तो यहाँ पर हम बड़े का मुँह खोल देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है कहा जा रहा है देखो और समझो। देखो और समझो, हम दोनों ही समान अंक की संख्याएं हैं। अब यहाँ पर जो है बात हो रही है समान अंक की, यह एक संख्या है और यह एक संख्या है, दोनों के अंक क्या हैं, समान हैं। हमारे 10,000वें स्थान के अंक भी समान हैं, इनका जो 10,000वां अंक है यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है, तो आगे देखिए क्या कहता है। मैं बड़ा क्योंकि मेरे 1,000वें स्थान का अंक तुम्हारे से बड़ा है। जब 10,000 वाला अंक जो है बराबर हो गया है तो हम जो है उसके 1,000वें स्थान का अंक देखेंगे, तो यहाँ पर 1,000वां अंक 6 है और यहाँ पर 8 है, तो जो 8 है वो बड़ा है, इसलिए यह संख्या जो है बड़ी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से चलिए हम अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। सही चिन्ह का प्रयोग करना है, ये छोटा का निशान, ये बड़ा का निशान, तो ये 345,791 और ये संख्या 342,578, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दोनों बराबर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, दोनों बराबर है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 जो है बड़ा है, तो इसलिए इस तरफ हम मुँह इसका खोल देंगे, तो यह संख्या बड़ी हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 568,157 है और इधर है 568,734, चलिए इसको मिलाते हैं। पहला ये 5 है, यह भी 5 है, दोनों बराबर हैं, ये 6 है, यह भी 6 है, उसके बाद ये 8 है, यह भी 8 है, उसके बाद यह 1 है, सैकड़ा का स्थान पर 1 है और लेकिन ये सैकड़े का स्थान पर यहाँ पर 7 7 है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो इधर हम बड़े का निशान लगा देंगे। तो ये रहा, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालना है हमको, जो है सबसे छोटी संख्या निकालना है और सबसे बड़ी संख्या निकालना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट।
दो संख्याएं हमको निकालनी है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो है तीन संख्याएं दी गई हैं, तीन संख्याओं में पांच पांच अंक हैं, सभी संख्याओं में पांच पांच अंक हैं, इसलिए तो तीनों के 10,000वें स्थान के अंक की तुलना करें। अगर आपको देखना है कि इनमें कौन सी संख्या बड़ी है तो इसके जो है 10,000वें अंक की आपको तुलना करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये 10,000वें स्थान पर यहाँ पर एक है और यहाँ पर चार है और यहाँ पर दो है, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? चार वाला होगा। तो जो चार वाला है तो चार वाली संख्या भी वो क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। और इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? एक वाला है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? एक वाली होगी। चलिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो इसमें सबसे पहले हमको स्मॉलेस्ट निकालना है, तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर सबसे छोटा अंक एक का है, तो यहाँ पर 16,789 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4,315, सबसे बड़ी संख्या जो हमारी हो जाएगी 4,315, क्योंकि जो है चार का अंक सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या 4,315 हो जाएगी। एक का अंक सबसे छोटा है, इसलिए जो है 16,789 जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है आरोही व अवरोही क्रम में हमको जो है संख्याओं को लिखना है, आरोही व अवरोही क्रम में हमको संख्याओं को लिखना है। चलिए देखते हैं, नीचे संख्याएं दी गई हैं, 23,599, 36,938, 75,682, 13,578, तो ये संख्याएं दी हुई हैं। अब इसमें जो है हमको सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सबसे पहले हम 10,000वें स्थान कंपेयर करेंगे, फिर 1,000वें स्थान पर कंपेयर करेंगे, फिर सैकड़े के स्थान पर कंपेयर करेंगे, फिर दहाई के स्थान पर कंपेयर करेंगे, फिर इकाई के स्थान पर कंपेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर सात है, यहाँ पर एक है, एक जो है क्या है? सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आरोही क्रम लिख रहे हैं, सबसे पहले एक वाला अंक हो जाएगा, फिर उसके बाद दो वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद तीन वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद चार नहीं है, यहाँ पर है सात, तो यहाँ पर हो जाएगा सात। तो इस प्रकार से संख्या क्या हो जाएगी? 13,578, एक वाला जो है ये है 13,578, उसके बाद दो वाली संख्या हो जाएगी, दो वाली संख्या है 23,599, तो यहाँ पर 23,599 हो जाएगा, उसके बाद तीन वाली संख्या हो जाएगी, तीन वाली संख्या है 36,938, तो यहाँ पर हो जाएगा 36,938, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या है 75,682, तो यहाँ पर हो जाएगी 75,682। यह हो गया हमारा कौन सा क्रम? आरोही क्रम। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। ठीक, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और ये संख्याएं हमारी क्या हैं? सारी बढ़ते हुए क्रम में हैं। चलिए वो आगे देखते हैं। अब इसको जो है अवरोही क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में हमको लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो सबसे पहले हम लिख देंगे, फिर उससे छोटी हो जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम लिख देंगे। और इसको घटते हुए क्रम को ही क्या कहते हैं हम? अवरोही क्रम कहते हैं। यह हमारा हो गया अवरोही क्रम। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अगर आप बढ़ते हुए क्रम लिख लिए तो घटते हुए क्रम में उसको आप उल्टा कर देंगे, वह अवरोही क्रम में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमको पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या निकालनी है। पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या बहुत ही सिंपल होती है। ठीक, चलिए इसको निकालना सीख लेते हैं हम। आओ देखें,
सबसे पहले हम 72,956 के ठीक पहले की कौन सी संख्या होगी? पहले की संख्या मतलब प्री डिसेसर हो जाएगा और अनुवर्ती संख्या हो जाएगा सक्सेसर। तो प्री डिसेसर और उसके बाद सक्सेसर, तो एक कम रहेगा तो पूर्ववर्ती प्री डिसेसर, फिर उसके बाद अगर अनुवर्ती है तो हो जाएगा सक्सेसर। चलिए देखते हैं, हम जानते हैं किसी संख्या के ठीक पहले संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें क्या करेंगे, हम एक को घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा वही संख्या हो जाएगी हमारी पूर्ववर्ती संख्या। तो 72,956 में जब हम एक घटाएंगे तो 72,955 हो जाएगा। तो 72,956 के ठीक पहले की संख्या या पूर्ववर्ती संख्या जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगा 72,955 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा प्रीडिसेसर और सक्सेसर, ठीक है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आओ देखें 72,956 के ठीक बाद की संख्या। हम जो है अभी को जो है पूर्ववर्ती देखें, अब हम लोग जो है अनुवर्ती देखेंगे, ठीक बाद की संख्या कौन सी होगी। हम जानते हैं किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या निकालना हो तो उसमें एक क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, तो जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, अनुवर्ती संख्या या फिर सक्सेसर होता है। 72,956 में जब हम एक जोड़ेंगे तो 72,957 हो जाएगा। अतः 72,956 के ठीक बाद या फिर जिसको हम अनुवर्ती कहते हैं और जो हो जाएगा 72,957 हो जाएगा। चलिए नीचे अभ्यास प्रश्न दिया गया है तो अभ्यास प्रश्न को हम कर लेते हैं, स्वयं करो, स्वयं हल करना है हम लोगों को। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो 45,678 है, तो इसमें से एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 45,677। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45,677 और अनुवर्ती निकालने के लिए एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45,679 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13,579 है, इसमें एक हम कम करेंगे तो ये हो जाएगा 13,578 हो जाएगा और इसमें एक हम जोड़ देंगे ये हो जाएगा 13,580 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी 48,057 है, इसमें हम एक घटाएंगे ये हो जाएगा 48,056 और इसमें हम एक जोड़ देंगे अगर 57 में तो हो जाएगा 48,058। ठीक उसी प्रकार से इसका भी हम हल कर लेंगे, 34,815 है तो यह हो जाएगा 34,816 और यह हो जाए कम करना है तो यह हो जाएगा 34,800, यहाँ पर हो जाएगा 15 है तो यहाँ पर हो जाए 34,814 क्योंकि ये पूर्ववर्ती निकाल रहे हैं हम, तो उसके आगे एक हम जोड़ेंगे अनुवर्ती निकालने के लिए तो 34,815 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34,816। यहाँ पर ध्यान देंगे किसी संख्या का पूर्ववर्ती निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक घटा रहे हैं और अनुवर्ती निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, एक घटा रहे हैं एक जोड़ रहे हैं, फिर एक घटा रहे हैं एक जोड़ रहे हैं, एक घटा रहे हैं फिर एक जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे भी देखते हैं, आगे ये रहा, आगे है हमारा कि 2, 7, 3, 5, 9 और 8 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो ऐसे अगर कोई अंक दिए हुए हैं और आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो आपको सबसे बड़े अंक से शुरू करना होगा और उसके बाद सबसे छोटे अंक तक आपको जाना रहेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अंकों को जो है हम क्या करते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब बड़ी संख्या उसके बाद छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर सबसे छोटी, तो इन संख्याओं को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं,
तो इसमें जो है अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है, सबसे पहले हम 9 लिख दिए हैं। फिर 8 है तो फिर हमने यहाँ पर 8 लिख दिया है। फिर 7 है तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया है। फिर 5 है तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया है। 5 है यहाँ पर तो हमने 5 ला के रख दिया। 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिए, और 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए। तो इस प्रकार से जो हमारे अंक दिए हुए हैं उससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या जो है 9,87,532 है। तो ये जो संख्या है 9,87,532 है, ठीक है। चलिए अब इससे जो है सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कौन से कैसे निकालेंगे, तो इसको हम जो है आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो हमारी जो है सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो इसमें जो है सबसे छोटी संख्या कौन है? 2, सबसे पहले हम 2 लिख देंगे। फिर 3 है, फिर 3 लिख देंगे। फिर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। 8 है तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। 9 है तो यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर अंतिम में हम 9 लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें एक रूल और भी है, यदि अंकों में शून्य भी हो तो शून्य के ठीक बाद आने वाले सबसे छोटे अंक को सबसे बाईं ओर लिखते हैं, उसके बाद शून्य लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या है और हमको जो है उसकी सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो उसके लिए हम पहले शून्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर किसी संख्या के आगे आप शून्य लिख देंगे तो उस अंक का मान वहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद जो अंक रहेंगे उसका उसी के आधार पर गणना होगी। इसलिए अगर शून्य है तो शून्य को लिखने से पहले, अगर आप सबसे छोटी संख्या लिख रहे हैं तो शून्य को लिखने से पहले आप उससे जो बड़ी संख्या है शून्य से आप उसको पहले लिख देंगे। जैसे जैसे मान लीजिए 8,2,1,0,5 है, से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो वो होगी 10,258। यहाँ पर कुछ लोग जो है कहेंगे कि शून्य पहले होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप शून्य पहले लिखेंगे यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह संख्या 10,000 से बदल के हो जाएगी 1,258, जो कि गणित कैलकुलेशन के हिसाब से गलत है। इसलिए अगर कहीं भी शून्य है तो शून्य के पहले जो है छोटी संख्या जो रहेगी उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर कहा गया है सोचने के लिए कि छोटी संख्या क्यों नहीं बन सकती, तो इसका यही सही कारण है, क्योंकि यह संख्या जो है अब 5 अंकों की नहीं रह गई, यह संख्या अब हो गई है 4 अंकों की, क्योंकि शून्य जो है आप लिखते हैं बाई तरफ तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। इसी तरह 8,2,1,0,5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या जो है 85,210 होगी। तो बड़े होने के लिए कोई रूल नहीं है, बड़ा होने के लिए वही पहला रूल ही चलेगा बड़ी संख्या के लिए। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा 8 है तो 8 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, फिर 2, फिर 1, फिर 0। यहाँ पर अगर शून्य है तो शून्य के बाद जो संख्या आ रही सबसे पहले उसको लिख देंगे 1, उसके बाद तुरंत शून्य लगा देंगे, फिर उससे बड़ी 2, फिर उससे बड़ी 5, फिर उससे बड़ी 8। इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। चलिए ये रहा हमारा आज का प्रश्न, और इससे संबंधित जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। अब इतना पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को सीखा है ये देख लेते हैं। 5 व 6 अंकों वाली संख्याओं की तुलना करना हमने सीखा है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, या फिर दोनों बराबर है। संख्याओं को हमने आरोही अवरोही क्रम में लिखना शुरू किया, आरोही एवं अवरोही क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब अगला हमने क्या सीखा, किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या तथा अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब हम जो है दी गई संख्या में से एक घटा देंगे, अनुवर्ती संख्या में हम क्या कर देंगे, दी गई संख्या में एक जोड़ देंगे, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। अगर कोई अंक दिया गया है 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, तो उसके आधार पर हम उसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या बना सकते हैं। उसके बाद है दिए अंकों के प्रयोग से नई संख्याओं का निर्माण करना। अगर कोई जो है अंक दिया गया है तो उससे हम नई संख्या को कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम लोगों ने
सीखा। चलिए अब हम अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में जो है ये जो है बड़ा का निशान, ये छोटा का निशान, और का हमारा पहला प्रश्न, यहाँ पर भी जो है 3 2 5 अंक, यहाँ पर भी 3 2 5 अंक। सबसे पहले हम अंक को मिलाएंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, दोनों इक्वल हैं, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, तो जो 4 है वो बड़ा है, तो इधर हम जो है बड़े का निशान लगा देंगे। खैर यह भी जो है 5 अंक का है, यह भी 5 अंक का है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4 4 9 9 0 0 9 9, यहाँ तक बराबर है। उसके बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 जो है बड़ा है 5 से, तो इधर हम खोल देंगे। तो उसी प्रकार से अगला प्रश्न, यह भी 5 अंक का है, यह भी 5 अंक का है, यहाँ पर पहला 8 है, यहाँ पर भी 8 है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 1 बड़ा है, तो इधर हम बड़े का निशान लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार से अगला प्रश्न, यह जो है 5 अंक का यह भी है, 5 अंक का यह भी है, यहाँ पर 2 है, 2, यह भी 2, फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है, तो 3 बड़ा है, तो इसका मतलब हम इधर इसको मुँह खोल देंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है, आगे हमारा प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या को हमको लिखना है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब हमको जो है एक घटा देना है, तो यह हो जाएगा पूर्ववर्ती संख्या 9 7 7 8, और इसकी जो है अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 1 जोड़ देंगे 9 7 8 0 हो जाएगी। ठीक, 9778 इसकी जो है पूर्ववर्ती हो जाएगी, और 9780 जो है इसकी अनुवर्ती हो जाएगी, और संख्या कितनी है 9779 है। ठीक, आगे देखते हैं, 67895 है, 67895, इसमें से कम करेंगे तो ये हो जाएगा 67894, और इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67895 के बाद जो है 96। उसी प्रकार इसको देख लेते हैं, ग है, ग की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, एक घटाएंगे हम तो यहाँ हो जाएगा 90, फिर हो जाएगा यहाँ पर 999। ठीक, तो ये हो जाएगा 91000 है, 91000 का जो है पूर्ववर्ती हो जाएगा 90999, और इसका अनुवर्ती हो जाएगा 91001। ठीक ठीक उसी प्रकार से घ, इसका पूर्ववर्ती संख्या जब आप निकालेंगे तो कम करेंगे तो यह हो जाएगा 90099, 90100 का हो जाएगा 90999, और इसमें एक फिर जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 90101। ठीक उसी प्रकार से हम च देख लेंगे, यह है 32875, तो इसमें जब हम एक घटाएंगे तो यह हो जाएगा 32874, और जब इसमें हम एक जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 32876। और उसके बाद अगला प्रश्न है 23596, अब इसमें एक घटाएंगे तो यह हो जाएगा 23595, और इसमें एक जब जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 23597। तो यह हो गई अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या में हम जो है एक घटाए हैं, और अनुवर्ती संख्या में हम एक जोड़ दिए हैं, जो संख्याएं ऊपर हैं उसमें एक कम किया गया है, जो नीचे हैं उसमें एक जोड़ दिया गया है। पूर्ववर्ती संख्या में एक घटाने पर मिलेगा हमको, और अनुवर्ती संख्या में हमने एक को जोड़ा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न दिया है, नीचे कुछ टेलीफोन नंबर लिखे हैं, इन्हें जो है आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। चलिए इसको हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम अंक देखेंगे, 3 3 6 अंक 3 3 6 3 3 6 3 3 6, सब अंक जो है समान है। तो अब इसका हम जो है पहला डिजिट देखेंगे बाएं तरफ से, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 है,
इसका मतलब इन ये जो है सबसे बड़ा है और ये सब जो है छोटे हैं। यहाँ पर सात है, यहाँ पर सात है, यहाँ पर पाँच है, तो इसका मतलब ये जो है सबसे छोटा है। तो हम यहाँ पर आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो यह हो गया 256,000, 256,013 हो गया। उसके बाद हम अगली संख्या खोजेंगे, तो अगली संख्या जो है हमारी यहाँ पर दो दो मैच कर गया है, यहाँ पर चार है और यहाँ पर नौ है, तो ये बड़ी है, ये हो जाएगा 272,954। तो हम इसको लिख देंगे 272,954। उसके बाद अगली संख्या हमारी ये बच रही है, तो ये हो जाएगी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 272,463। उसके बाद जो बची संख्या है उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं 332,578। तो इस प्रकार से जो है हमारी सभी संख्याएं जो है आरोही क्रम में हो गई हैं, तो आप इसको लिख लेंगे अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा प्रश्न दिया गया है, कोलकाता में प्रतिदिन लगभग, प्रतिदिन जो है लगभग 4,000 टन, मुंबई में 11,000 टन, दिल्ली में 8,390 टन और चेन्नई में 4,800 टन कचरा जो है निकलता है। तो ये कचरे हैं जो शहर से निकलते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कचरे की मात्रा को आरोही क्रम बनाओ। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, चलो उसको हम बना लेते हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम आप लिख लीजिएगा। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। सबसे कम किस में है, सबसे कम जो है 4,000। सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर 4,000, फिर 4,000 के बाद फिर 4,800 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4,800। फिर उसके बाद है 8,390, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8,390। उसके बाद सबसे अधिक है 11,000। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला सही हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सबसे अधिक कचरा किस शहर में निकलता है। सबसे अधिक कचरा जो है मुंबई में निकलता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मुंबई में कितना निकलता है, 11,000 टन। सबसे कम कचरा किस शहर में निकलता है, तो सबसे कम कचरा जो है कोलकाता में निकलता है, यहाँ पर हम लिख देंगे कोलकाता। कितना निकलता है इसको भी प्रदर्शित कर देंगे यहाँ पर हम, 4,000 टन। ठीक, ये रहा प्रश्न हमारा, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न दिया है, किसी संख्या की अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या का अंतर लिखना है। तो कह रहे हैं कि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, इसका जो है हमको अनुवर्ती लिखना है और पूर्ववर्ती लिखना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो किसी संख्या, मान लीजिए यह संख्या मान लीजिए सात है, मान लीजिए कोई संख्या हम ले रहे हैं सात, तो इसकी अनुवर्ती संख्या में एक हम जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 8। और पूर्ववर्ती संख्या में एक हम घटाएंगे, -1 करेंगे, तो यह हो जाएगा 6। अब इन संख्याओं का अंतर, 8 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, आलोक ने अपना गेहूं 88,889 रुपए में बेचा। आलोक ने अपना गेहूं जो है 88,889 रुपए में बेचा, जबकि दीपक ने अपना गेहूं 88,879 रुपए में बेचा। एक लोग जो है 88,889 में बेच रहे हैं, एक लोग जो है 88,879 में बेच रहे हैं, तो किसने गेहूं अधिक दाम में बेचा,
तो यहाँ पर जो है गेहूँ आलोक ने जो है अधिक दाम पर बेचा है, क्योंकि जो है 89 जो है 79 से बड़ा है, तो यहाँ पर आलोक ने जो है गेहूँ अधिक दाम पर बेचा। दिए गए अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या को बनाना है, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। चलिए हम इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है। तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या बना लेते हैं, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सब बड़े बड़े अंक लेंगे। यहाँ पर पहले हो गया 9, फिर 8, 8, फिर 7, फिर हो गया 5, फिर हो गया 1। तो यह हो गई सबसे बड़ी संख्या 98,751। और फिर हम इसको लिखेंगे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इसकी क्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम सबसे छोटे शुरू करेंगे, 1, 5, 7, 8, 9। सबसे बड़ी संख्या हम इसको लास्ट में लिख देंगे। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं, तो आगे भी यही चीज़ है सेम। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे छोटी संख्या, नहीं सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। चलिए बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले बड़े बड़े अंक लिख देंगे हम। यहाँ पर सबसे बड़ा अंक 6 है, 6 लिख देंगे पहले, फिर 5 है, 5 लिख देंगे, फिर 4 है, 4 लिख देंगे, फिर 3 है, 3 लिख देंगे, फिर 2 है, 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद 0 लिख देंगे, 6, 5, 4, 3, 0। और सबसे छोटी संख्या भी हम लिख देंगे, छोटी संख्या। छोटी संख्या लिखने के लिए अगर शून्य है तो सबसे पहले हम शून्य नहीं लिखेंगे, उसके पहले वाला अंक लिख देंगे। यहाँ पर हो गया 2, 0, फिर उसके बाद सबको ऐसे लिख देंगे। तो यह हो जाए संख्या हमारी बन के तैयार हो गई। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या कितने अंकों की होगी। तो अनुवर्ती का मतलब होता है उसमें हमको एक ऐड करना है। सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5 बार 9। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 5 बार 9। अब इसकी अनुवर्ती करना है, तो इसका मतलब हमको इसमें एक जोड़ देना है। चलिए जोड़ देते हैं, 9 एक 10, हासिल लगा 1, 9 एक 10, 9 एक 10, 9 एक 10, 9 एक 10, यहाँ पर 1। तो यह संख्या जो है 5 अंक की जो थी वह अब जो है 6 अंक की हो गई है, और यह 6 अंकों की जो है सबसे छोटी संख्या है। जो 5 अंक की संख्या थी वो जो है 6 अंक की हो गई, और यह संख्या जो है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे जो है महान गणितज्ञ के बारे में चर्चा की गई है, और इन महान गणितज्ञ का नाम है श्रीनिवास रामानुजन। इनके बारे में जान लेते हैं। श्रीनिवास रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। इनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। ये विलक्षण प्रतिभा के बहुत धनी व्यक्ति थे। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने गणित के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। ये अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और इन्हें प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। तो ये जो है भारत के एक महान वैज्ञानिक हैं, ठीक। तो इन्हें जो है प्रश्न जो है पूछना बहुत पसंद था, और इनके प्रश्न कभी कभी शिक्षक को भी आश्चर्यचकित कर देते थे। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन पूछे थे, सोचते थे कि शिक्षक को भी एक बार सोचना पड़ जाता था। इन्होंने 10 वर्ष की आयु में पूरे जिले में प्राथमिक स्तरीय परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। 10 वर्ष की आयु में जो है पूरे जिले की एक प्राथमिक स्तर की परीक्षा थी, जिसमें इन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। इन्होंने गणित के अनेक सूत्रों एवं प्रमेयों की रचना की, और ये एक महान गणितज्ञ थे। तो इनके आदर सम्मान और इनको याद रखने के लिए हमेशा इनके जन्मदिवस 22 दिसंबर को जो है हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो 22 दिसंबर है
इसको हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो इसमें कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।